Hello dear all, our today's topic is Dances of India, which is lesson number 32 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है so वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेटा तो आपका जो आज का चैप्टर है उसका नेम क्या है, डांसेस ऑफ इंडिया, ठीक है ना. तो मैं आपको जो बुक का इसका जो बुक की एक्सरसाइज है ना वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी. तो आप वीडियो को पूरा पूरा देखना. मैं स्टार्ट कैसे कर रही हूँ, वन बाय वन पिक्स दिखाऊंगी, उसके बाद उसमें आपका डांस का नेम रहेगा और किस स्टेट का वो डांस है वो रहेगा, ठीक है ना. तो ऐसे करके हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं. और रही बात आपकी बुक की, तो जो बुक वाला पार्ट है वो आपको लास्ट में मिलेगा. तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा पूरा देखना, ठीक है ना. और वन बाय वन पिक्चर देख के हम क्या करेंगे, हमें और अच्छे समझ में आएगा. हमारा एक टाइम पे एक ही पिक्चर में फोकस होगा तो हम उसके स्टेट के नाम को और उस डांस के नेम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एक बार में एक ही, ठीक है ना. तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, क्योंकि डांस भी बहुत ब्यूटीफुल होता है ना. डांस करना जिसकी हॉबी है तो उसके लिए चैप्टर बहुत प्यारा है. लाइक मी, मेरी भी डांसिंग हॉबी है तो मेरे लिए भी चैप्टर, मुझे बनाने में वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग को देखने भी मज़ा आने वाला है, ठीक है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सी ओके बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा इंडिया है ना, हमारी जो कंट्री है कौन है, इंडिया है, ठीक है. इतने सारे स्टेट हैं यहाँ पर और हम पढ़ने क्या वाले हैं, डांसेस ऑफ इंडिया. तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो डांस के फॉर्म्स होते हैं ना बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक डांस फॉर्म हमने ले लिया तो वो उस स्टेट का आइडेंटिटी बन जाता है कि ये जो डांस फॉर्म है ना ये कहाँ का है, ये ना उस स्टेट का है, ठीक है ना. तो पर्टिकुलर स्टेट का एक अलग अपना डांस फॉर्म होता है जो उस स्टेट को फेमस बनाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर वन, ठीक है, ये आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, इस डांस को क्या बोलते हैं, डांडिया. और ये किस स्टेट का डांस है, किस स्टेट का आइडेंटिटी बताता है, ये गुजरात की, ठीक है ना. सो जो डांडिया है ना बेटा, तो किस स्टेट में फेमस है ये, कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है ना. तो आप देख रहे हो ऐसे ही डांडिया खेला जाता ना, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना. तो जो हमारा फर्स्ट डांस फॉर्म हो गया वो है डांडिया, जो कि किस स्टेट का फेमस है, ये गुजरात में, ठीक है ना. गुजरात में डांडिया खेला जाता है ना, वैसे अब तो हर जगह खेलते हैं, बट जो उसका ओरिजिन है वो क्या है, गुजरात, ठीक है ना. जैसे कि आपके सामने कोई भी पूछेगा आपसे कि डांडिया किस स्टेट का डांस फॉर्म है तो आप क्या बोलोगे, गुजरात का, ठीक है ना. तो हमें क्या करना है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमें डांस का नेम भी पता चल रहा है और वो किस स्टेट का डांस है, डांस फॉर्म है, वो भी पता चल रहा है. ओके, सो फर्स्ट क्लियर, मूव करते हैं सेकेंड वन में. ओके, नाउ सेकेंड इज उड़ीसी, ठीक है. उड़ीसी ये कहाँ का डांस फॉर्म है, ये इसका ओरिजिन कहाँ का है, ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है, ठीक है ना. उड़ीसा का फेमस डांस फॉर्म है, किस स्टेट का, उड़ीसा का. वैसे ही इसका नेम भी क्या है, उड़ीसी, ठीक है ना. इसका तो आप नेम से ही पता कर सकते हो कि कहाँ का डांस फॉर्म है, ठीक है. उड़ीसा का फेमस डांस फॉर्म कौन सा है, उड़ीसी, है ना. मतलब ये जो उड़ीसी है वो उड़ीसा की एक आइडेंटिटी बताता है, ठीक है ना. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में. ओके, नाउ थर्ड इज भरतनाट्यम, ठीक है. इस डांस को अच्छे से देख लो, ये कौन सा डांस फॉर्म है, ये भरतनाट्यम डांस फॉर्म है, ठीक है ना. कहाँ का फेमस है बेटा ये, कहाँ की आइडेंटिटी शो करता है, तमिलनाडु स्टेट की, ठीक है ना. कहाँ की स्पेशलिटी बताता है, ये तमिलनाडु की, ठीक है. तो ये कहाँ का डांस फॉर्म है, ये किस स्टेट का, तमिलनाडु का, ठीक है. अब आपसे कोई पूछता है कि तमिलनाडु का जो डांस फॉर्म है वो कौन सा है, तो आप भरतनाट्यम बोलोगे. और अगर आपसे कोई पूछता है कि भरतनाट्यम किस स्टेट का डांस फॉर्म है, तो आप क्या बोलोगे, तमिलनाडु, ठीक है. ये आपको दिख रहा है इमेज, ये भरतनाट्यम है. एकदम अच्छे से ध्यान से पूरी इमेज देखो, नेम पढ़ लो, ठीक है. वीडियो आपके पास ही रहने वाला है. ओके, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं. ओके, नाउ दिस वन इज बिहू. ये कौन सा डांस फॉर्म है बेटा, बिहू, ठीक है, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है. कहाँ का ये ओरिजिन, कहाँ से इसका हुआ है, ये असम का फेमस डांस फॉर्म है ना. तो ये जो बिहू है ये कहाँ की स्पेशलिटी बताता है, असम की, ठीक है ना. कहाँ का डांस फॉर्म है ये,
किस स्टेट का? असम का, इसका नेम है बिहू, ठीक है ना? ओके नाउ नेक्स्ट, ओके नाउ दिस वन इज घूमर, ठीक है? ये घूमर डांस फॉर्म है, ठीक है ना? ये कहाँ का डांस फॉर्म है बेटा? किस स्टेट का? ये राजस्थान का, ठीक है ना? जो घूमर डांस फॉर्म है वो राजस्थान का डांस फॉर्म है, ठीक है ना? तो सबने वो मूवी देखी होगी ना, पद्मावत, तो उसमें जो डांस करती ना दीपिका, तो कौन सा डांस करती है? वो घूमर डांस ही करती है, ठीक है ना? राजस्थान में क्या फेमस है? घूमर ही है, तो घूमर डांस ही किया जाता है राजस्थान में, ठीक है ना? तो जब भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पद्मावत मूवी का, तो वो क्या क्यों दिया? क्योंकि वो घूमर ही करती है वो, ठीक है ना? एक सॉन्ग है ना घूमर, तो वो घूमर ही करती है, ठीक है? तो जो राजस्थान का जो फेमस डांस फॉर्म है वो है घूमर, ओके? उसमें ऐसा कॉस्ट्यूम होता है, ऐसे डांस करते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ओके सो दिस वन इज कथकली। आपने देखा होगा ना बहुत ये वाला जो गेटअप रहता है एकदम डिफरेंट यूनिक रहता है, ठीक है? तो ये कौन सा डांस फॉर्म होता है बेटा? ये कथकली डांस फॉर्म है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। किस स्टेट का है ये? कहाँ का? केरल का, है ना? जैसे कि अभी हमने क्या भरतनाट्यम देखा था, वो कहाँ का था? तमिलनाडु, ठीक है? वैसे जो ये कथकली है ना, तो किस स्टेट में फेमस है? ये केरला में, है ना? ये दोनों डांस फॉर्म साउथ इंडियन ही है। जो भरतनाट्यम था वो भी साउथ इंडियन था, और ये जो केरला वाला है तो ये भी क्या है? साउथ इंडियन डांस फॉर्म ही है ना, ये साउथ इंडियन ही होते हैं ये। तो ये जो कथकली है वो केरला का फेमस क्या है? डांस फॉर्म है ना? किस स्टेट का है? केरला का। ओके ओके नाउ नेक्स्ट। ओहो दिस वन इज भांगड़ा। ओए बल्ले बल्ले, है ना? किसमें होता है ये? भांगड़ा में, ठीक है ना? तो भांगड़ा होता है ना, उसमें क्या करते हैं अपन? ऐसे डांस तो करते हैं, दोनों हाथ ऊपर और फिर बढ़िया डांस करो, है ना? तो ये क्या है? ये भांगड़ा डांस फॉर्म है, ठीक है? किस स्टेट का डांस फॉर्म है बेटा? ये पंजाब का, ठीक है ना? जो पंजाबी डांस होता है, जो पंजाब में जो लोग होते हैं, कितना प्यारा भांगड़ा करते हैं ना, वैसे ही सीख सीख के कॉपी कर करके कुछ कुछ हम लोग भी करने लगे हैं ना। तो जो भांगड़ा डांस फॉर्म है, आई नो ये आपको पहले से भी पता होगा, ये किस स्टेट का डांस फॉर्म है? ये पंजाब का, ठीक है ना? एंड माई फेवरेट, ओके? सो ये जो भांगड़ा है तो पंजाब का, पंजाब स्टेट का डांस फॉर्म है, ठीक है ना? ओके चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। ओके नाउ दिस वन इज, ये क्या है बेटा? लावणी, है ना? तो जो लावणी डांस होता है ये किस स्टेट का फेमस, मतलब किस स्टेट का ये डांस फॉर्म है? ये महाराष्ट्र का, ठीक है? महाराष्ट्र का डांस फॉर्म क्या है? लावणी, ठीक है? और ये जो सबसे ज़्यादा इसका जो क्या, ये जो ये वाला पोज है ना, ये जो आपको फर्स्ट इमेज में दिख रहा होगा, ये इसको मतलब इसको आइडेंटिफाई करता है, लाइक, है ना? अगर आपने ऐसी कोई इमेज देख ली और इस टाइप का गेटअप देख लिया, समझ जाना है कौन सा डांस फॉर्म है, ये लावणी डांस फॉर्म है, ठीक है? किस स्टेट का है बेटा है? ये है, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है? क्या नेम है इसका? लावणी, ठीक है ना? समझ रहे हो ना क्या नेम है इसका? लावणी, ठीक है ना? इस टाइप का पल्लू उठा के ऐसा कुछ होता है ना, तो समझ जाना कि लावणी डांस फॉर्म है। ओके 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 सो आपका ये लो, मैं आपको कहाँ लेकर आ गई? आपकी बुक में लेकर आ गई, ठीक है ना? ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 32, डांसेस ऑफ इंडिया। इसको मैंने कैसे अभी आपका एक्सप्लेन किया, वन बाय वन, एक एक करके एक एक पिक्चर दिखाई, उस पिक्चर में उस डांस का नेम था और उस स्टेट का नेम था जिस जिस स्टेट का वो डांस फॉर्म है, ठीक है ना? सो समझाने के लिए मुझे वो वाला जो वे है, जिस वे में अभी मैंने बताया वो ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं उसी वे में वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? बट क्या है, मैंने सोचा चलो कहीं आप कंफ्यूज, वैसे होने वाला कुछ था नहीं कंफ्यूज होने वाला, बट आप हो नहीं जाओ, तो मैंने सोचा आपको आपकी बुक का पिक्चर भी दिखा देती हूँ, तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है ना? एक बार इसमें भी समझ लो, ठीक है? इसमें हमने क्या किया है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो फर्स्ट डांस फॉर्म है ये घूमर है, ठीक है? यहाँ पे आपको डांस फॉर्म के नीचे हिंट दी हुई है और यहाँ पर आपको स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं। करना हमें कुछ नहीं है, ये जो ब्लैंक बॉक्स था जो कि अब ब्लैंक नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसमें फिल कर दिया है, तो वहाँ पर हमें डांस फॉर्म के नेम लिखने हैं, और ये जो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है वहाँ पर हमें स्टेट के नंबर्स लिखने हैं, स्टेट्स के नंबर लिखने हैं कि जिस भी स्टेट में यहाँ पर नंबर है ना, वो नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। कैसे किया है वो देख लो एक बार, ठीक है? ऐसे किया है। फर्स्ट जो डांस फॉर्म है वो क्या है बेटा? घूमर, ठीक है? कहाँ का फेमस डांस फॉर्म है ये? राजस्थान का। अभी अपन ने पढ़ा राजस्थान में क्या, 7 नंबर में राजस्थान लिखा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 7 नंबर लिख दिया, ओके? वैसे ही नंबर सेकेंड, ये कौन सा डांस फॉर्म है? ये बीहू डांस फॉर्म है।
कहाँ का है ये फेमस डांस फॉर्म? ये असम का, नंबर 5 में यहाँ पर असम लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर नंबर 5 लिख दिया। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, ये उड़ीसी डांस फॉर्म है। ठीक है, आपने अभी यही पिक्चर देखा है ना। अभी कहाँ का डांस फॉर्म है बेटा ये फेमस? उड़ीसा का। अब यहाँ उड़ीसा 4th नंबर पे लिखा है तो मैंने यहाँ पर नंबर 4 लिख दिया। ओके, अब ये कौन सा डांस फॉर्म है बेटा? ये कथकली। ठीक है, और नंबर 2 पे कहाँ का फेमस डांस फॉर्म है? ये केरला का। नंबर 2 पे केरला लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर केरला लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये वाला जो डांस फॉर्म है ये लावणी डांस फॉर्म है। ठीक है, कहाँ का फेमस डांस फॉर्म है ये बेटा? महाराष्ट्र का। यहाँ पर नंबर 3 में महाराष्ट्र लिखा हुआ है तो मैंने यस बॉक्स में नंबर 3 लिख दिया। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट में, ये कौन सा डांस फॉर्म है बेटा? ये भांगड़ा डांस फॉर्म है। ठीक है, इस यहाँ पर ये 8th नंबर पर लिखा हुआ है स्टेट वाले बॉक्स में तो मैंने यहाँ पर नंबर 8 लिख दिया। ओके, अब आ जाओ इसमें, ये कौन सा डांस फॉर्म है बेटा? ये डांडिया डांस फॉर्म है। अभी अपन ने पढ़ा कहाँ का, किस स्टेट का फेमस है ये? गुजरात का डांस फॉर्म है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नंबर 6 लिख दिया क्योंकि गुजरात यहाँ पर नंबर 6 पे लिखा हुआ है। ओके, नाउ लास्ट वन इज़, ये बेटा भरतनाट्यम डांस फॉर्म है। यहाँ पर भरतनाट्यम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भरतनाट्यम, यहाँ ये जो भरतनाट्यम होता है वो किस स्टेट का फेमस डांस फॉर्म है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु यहाँ पर नंबर 1 में लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया। ओके, बस, तो यहाँ पे ऐसे करके हमारा चैप्टर भी सॉल्व हो गया और मैंने आपको 1 by 1 पिक्चर दिखा के वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। ओके, अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है ना? आई रियली होप बेटा आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड आई होप सबने वीडियो पूरी देखी होगी। ओके, चलो बाय बाय।